हेलो एवरीवन, आज डेट है 27th of July 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डेवर लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के, तो ग्रेट बैरियर रीफ को अगर हम मैप में व्यू करें, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर कोरल सी में लोकेटेड है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो उसको आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर ऐसी है जिसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यहाँ पर बिलियंस की संख्या में स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, और ये जो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं इन जिनको कोरल पॉलिप्स के नाम से जानते हैं। ये जो पॉलिप्स जो होते हैं ना, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो टिनी ऑर्गेनिज्म है जिनको पॉलिप्स के नाम से जानते हैं, ये एक बहुत ही छोटे और बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका जो आउटर स्ट्रक्चर जो इनका स्केलेटन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, लाइमस्टोन से बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनकी डेथ होने के बाद में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, उनके बाद में जो इनका आउट स्ट्रक्चर है वो एक टाइम के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जमा होने लगा होगा, और धीरे धीरे जमा होने के बाद में ये जो प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है वो इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल देखने को मिलती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ में यहाँ पर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म का जो आउटर स्ट्रक्चर है, कोरल रीफ जो है, इसके अलावा यहाँ पर एल्गी जो है, मतलब पॉलिप्स और एल्गी जो है वो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये जो एल्गी है जिनको जू जेंथली के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल रीफ जो है वो कलरफुल देखने को मिलती है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में IPCC की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो कोरल ब्लीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कोरल ब्लीचिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि जो एल्गी यहाँ पर इस आउटर स्ट्रक्चर में रहता था जिसकी वजह से वो कलरफुल दिखाई देती थी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से या अदर इश्यूज होने की वजह से वो एल्गी जो है वो यहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से एकदम वाइट कलर में या अदर कलर में वो देखने को मिलती है। जो कलरफुल इमेज जो इनकी थी वो यहाँ से रिमूव होती है, जिसी को कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसको 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन भी दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उससे रिलेटेड हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम जो 2023 के लिए एस्पायरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रोग्राम है। इसमें आपकी 2023 की जो जर्नी है उसको काफ़ी इजीली वे में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे हमारे मेंटोर। डेली बेसिस पर आपको टारगेट दे करके जो भी आपका सिलेबस है उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर चल सके। तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है ये हमारा प्रोग्राम तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी हमारे पास में क्वेरीज आ रही हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने का प्रोग्राम को प्रोसीजर ये है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जल्द ही वोल्केनो अकेडमी जो है वो आपके लिए वेबसाइट लेकर के आने वाला है। वेबसाइट में जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स रहते हैं, डेली क्विज रहती हैं, मंथली बेसिस पर जो हमारा करंट अफेयर्स रहता है वो सारा कंपाइलेशन आपको वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शनल के लिए भी आपको जो बेसिक कंटेंट है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेंस के लिए ऐसे एथिक्स, आंसर राइटिंग, इन सभी के ऊपर फोकस करते हुए हमारी वेबसाइट जो है वो आपके लिए जल्द ही लॉन्च की जाने वाली है। अभी प्रेजेंट टाइम में कंस्ट्रक्टिव मोड में है हमारी वेबसाइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही जो वेबसाइट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर आपको जाना है, जैसे ही आप
वेबसाइट को ओपन करोगे, जो मेन मेन्यू है उसको आप ओपन करोगे, वहाँ पर कोर्सेज आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, और कोर्सेज में जब आप जाओगे तो मेंटोरशिप जो है वो आपको ऑप्शन दिखेगा। मेंटोरशिप में आपको ओपन करना है, वहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, एक फॉर्म के रूप में जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी जाएगी, उन इन्फॉर्मेशन को आपको फॉर्म को फिल करके आपको उसको सबमिट कर देना है, और वहाँ पर UPI ID है जिसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको मंथली प्लान या 6 मंथ का प्लान चूज करना है, उसके बेसिस पर आप UPI ID पर अपना जो भी पेमेंट है वो कर सकते हो। इस प्रोग्राम को हमने एक नॉमिनल फी के साथ में स्टार्ट किया है, जो आपके 2023 के टारगेट को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखो प्रेजेंट टाइम में फ्री बाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है। फ्री बाइज क्या होता है, जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत सारे प्रॉमिस करती हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोगों को कुछ असिस्टेंस देने की प्रोवाइड करती हैं, कुछ ईजिली कुछ प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं पॉपुलेशन को अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई, उन्होंने बोला कि अगर इस पिटीशन में बात रखी गई है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए फ्री बाइज का यूज़ कर सकती है, तो उसका जो पॉलिटिकल सिंबल है, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है, वो सबको रद्द किया जाना चाहिए। उसको लेकर के भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कपिल सिब्बल, जो आप सभी को पता है कि एक अच्छे खासे लॉयर हैं, उनसे क्वेश्चन किया। कपिल सिब्बल किसी और केस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए इसके ऊपर कि इस इशू के ऊपर क्या जो सॉल्यूशन है वो लाया जा सकता है। तो कपिल सिब्बल ने ये बोला कि देखो आप क्या कर सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर इसके ऊपर फोकस किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कमीशन जो है, जो एक तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्स का किस तरीके से सेपरेशन होगा, उसमें सेंटर को कितना पार्ट मिलेगा टोटल टैक्स कलेक्शन का, स्टेट को कितना मिलेगा, स्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे कैसे काम किया जा सकता है, ये फाइनेंशियल कमीशन जो है वो कुछ यहाँ पर सजेशन देता रहता है। तो फाइनेंशियल कमीशन का यहाँ पर इंक्लूजन किया जा सकता है ये जो भी इशू है इसको सोल्व करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब डी रजिस्ट्रेशन की बात आई तो उसको लेकर के बोला गया है कि इस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, यहाँ देखो तो देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये पिटीशन में जो बात रखी गई कि आप डी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन जो है इस पर एग्री नहीं हो पाया है। ओके, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर ऑफ 1968 जो है उसमें इंसर्ट करने की बात रखी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज शैल नॉट प्रोमिस डिस्ट्रीब्यूट इरेशनल फ्री बाइज फ्रॉम द पब्लिक फंड बिफोर इलेक्शन। ओके, इलेक्शन से पहले इस तरीके के जो फ्री बाइज हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से देने की कोशिश ना करें, डिस्ट्रीब्यूट ना करें, और इसको इलेक्शन सिंबल ऑर्डर ऑफ 1968 में इसको इंसर्ट कर लिया जाए, ताकि अगर कोई पार्टी ऐसा करती है, कोई प्रॉमिस गिफ्ट देने की कोशिश करती है, तो उसके सिंबल जो हैं उसके स्नैच कर लिए जाएं। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि कोई भी जो पार्टीज है उसको डी रजिस्टर तभी किया जा सकता है जब या तो वो पार्टी किसी फ्रॉड या फोर्जरी के थ्रू रजिस्टर हुई हो, या इसके अलावा अगर हम देखें वो जो पार्टी जो इल्लीगल तरीके से, और इफ़ दे कैन डिक्लेयर इलीगल बाय द सेंटर, सेंटर जो है उनको इलीगल डिक्लेयर कर दे, और इफ़ दे स्टॉप्ड अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डी रजिस्ट्रीफाई किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री बाइज जो है इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल भी आ चुके हैं एडिटोरियल पेज पर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और प्रीलिम्स में देखो यहाँ पर क्वेश्चन किया ना पिटीशन में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप डी रजिस्ट्रीफाई कर दो, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रजिस्ट्रीफाई किन किन पॉइंट्स के ऊपर किया जा सकता है। तो जब भी कोई आप आर्टिकल स्टडी करो तो उसमें आप निकालने की कोशिश किया करो कि मेंस में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीलिम्स में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये चीज़ें आप जब ही व्यू कर पाओगे जब आपके पास में प्रीलिम्स और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से बनते हैं। बार बार हम देखते हैं कि स्टैटिक के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए हैं, करंट में जो भी न्यूज़ में है उसके आसपास वाले एरिया में घूम फिर कर आपको देखना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि वैसे घूम फिर के, मतलब उसके आसपास वाले एरिया में जो भी लिंक्ड पॉइंट्स हैं उन सभी को आपको स्टडी करना चाहिए, जिससे आपका जो करंट अफेयर्स भी है और जो आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो एक साथ में कंबाइंड फॉर्म में इजीली तैयार हो पाता है। यहाँ पर जो गुजरात में लिकर को लेकर के कुछ इशू देखने को मिले हैं, जिसमें 36 जो लोग हैं उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। आप सभी को पता है गुजरात जो है ड्राई स्टेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिकर का इस तरीके का जो प्रोसीजर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से व्यू करने वाली बात है कि एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद में भी वहाँ पर इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं। सेम इसी तरीके के इशू जो हैं वो बिहार में लिकर को काफ़ी टाइम पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो इशू हैं, जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही बनी हुई है। अभी आपने एक छोटे से बच्चे का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, बिहार का जो सोनू है, उसमें उन्होंने कंप्लेन की है कि उनके जो फादर हैं वो लिकर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड स्टेज में है, उनकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हालांकि उसके बाद में बहुत सारी कोचिंग जो है उन्होंने फ्री अवेलेबल उनकी जो भी एजुकेशन है उसको करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो उनका स्टेटमेंट है वो बात ये दिखाता है कि एक्ट होने के बाद में भी अगर हम देखें तो बेसिक लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक्ट बनने से कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आ पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल है 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने इस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो होता क्या है, देखो आप सभी को पता है आप जो सेलफोन हैं वो यूज़ करते हो, वायरलाइन टेलीफोन जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो उन सभी के लिए हमें सिग्नल की ज़रूरत होती है कि हम एक जगह से फ़ोन कर रहे हैं और दूसरी जगह से आप फ़ोन कर रहे हो। मान लो कि हमारा जो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको आप लेने के लिए एक तरफ से आप कॉल कर रहे हो, दूसरी तरफ से हम आपके फ़ोन को रिसीव कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे जो कन्वर्सेशन है इसके लिए जो सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और टाइम के साथ में उसकी जो क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हो, टाइम के साथ में उसकी जो प्रॉब्लमेटिक जो इश्यूज हैं कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, इजीली सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं, उसको और अच्छी क्वालिटी पर ले जाने के लिए ये जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाता है। ओके, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो है इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं दैट वायरलेस सिग्नल्स ट्रेवल ओवर। ओके, स्पेक्ट्रम जो है जो गवर्नमेंट है वो कुछ टाइम के लिए जो भी हमारी इस तरीके की एजेंसीज हैं उसमें कनेक्टिविटी के लिए एजेंसी जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं जिनके जैसे कि जियो हो गया या फिर अगर हम बात करें वोडाफोन हो गया, ये जो भी एयरटेल हो गया, जो भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं जिनके भी सिग्नल कंपनीज हैं वो यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद में उनको ये ऑक्शन के थ्रू जो है वो स्पेक्ट्रम जो बैंड है वो कुछ टाइम के लिए उनको अलाउ किया जाता है, उसके बाद में दोबारा से उनको रीपे करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रशिया ने ये डिसाइड किया है कि 2024 के बाद में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे और उसके बाद में हम खुद का जो है वो स्पेस स्टेशन बनाएंगे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, मोर देन 15 पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्टनर हैं जिसमें है रशिया, US, कनाडा, जापान एंड सेवरल मेंबर ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी साइज की अगर हम बात करें तो फुटबॉल का जो ग्राउंड जो होता है उतने साइज का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसमें एक जर्नी जो है वो लगभग 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में ये अपनी जर्नी जो है कंप्लीट कर लेता है। मतलब अगर हम बात करें तो लगभग एक दिन में ये जो है वो 16 ट्रिप जो है वो कंप्लीट यहाँ पर करता है। ओके, देखो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना वो पहला कोई ऐसा स्पेस स्टेशन नहीं था कि उसको ऑपरेट किया गया, इससे पहले भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस तरीके के अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था। जैसे रशिया जो है उन्होंने मीर स्पेस स्टेशन 1980s में ऑपरेट किया था, इसके अलावा अमेरिकन जो है वो स्काई लैब वो भी इस तरीके से उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी। देखो 1998 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में 2028 तक इसको कंटिन्यू करने की बात बोली गई थी। अभी रशिया जो है वो अपना खुद के ऊपर फोकस करने की बात कर रहा है और चाइना जो है वो भी खुद के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर,
और यहाँ पर जो केरला में के रेल प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। देखो जो हाई कोर्ट है, जुडिशरी जो है वहाँ पर इसको लेकर के डिस्कशन जब होता है तो जुडिशरी ने ये बात बोली है कि ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है इसमें जो गवर्नमेंट है वहाँ की पॉपुलेशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करे, तभी जाकर के प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। के रेल लाइन प्रोजेक्ट क्या है, अगर हम हमारे सदर्न इंडिया को देखते हैं, पेनिनसुलर इंडिया को, तो यहाँ पर इस तरीके से केरला जो है वो एक्सटेंडेड है। तो केरला में ये प्रोजेक्ट इस तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से साउथ से नर्दन पार्ट तक एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। आप सभी को देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो केरला है वो इस तरीके से एक्सटेंडेड है कि अगर यहाँ पर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जाए फिर इससे कनेक्टिविटी पॉइंट्स बना दिए जाएं, इससे क्या होगा कि जो व्हीकल जो यहाँ की जो अगर हम बात करें ना 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये जो केरला है वो बहुत ही हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है। मतलब यहाँ पर एरिया के से कंपैरिजन करें पॉपुलेशन का तो काफ़ी हाईली पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि एक प्रोजेक्ट हम ऐसा एस्टेब्लिश करें जो रेलवे लाइन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो और रेलवे लाइन के थ्रू फिर कनेक्टिविटी पॉइंट बना करके सभी एरिया को कवर किया जा सके, ताकि रोड पे जो व्हीकल देखने को मिलते हैं वो काफ़ी संख्या में कम हो जाए, एमिशन जो है वो कम हो जाए और इसके अलावा कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ के पीपल इसलिए कर रहे हैं, उसके बेसिक रीज़न है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये जो डिस्कस किया कि हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है, तो यहाँ के लोगों का ये बोलना है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो बीच में बहुत सारे लोगों के घर भी आ रहे हैं, बहुत सारे और लोगों के और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो बैंक लोन के ऊपर उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमें यहाँ से रिमूव करोगे उसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट होगा। दूसरा यहाँ पर बोला है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वहाँ भी जो डिवास्टेशन स्टेज देखने को मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से अपनी बात रखी है कि जहाँ भी हमें लगेगा कि एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर हम एलिवेटेड जो पुल हैं उनको फॉर्मेशन करेंगे और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इसका कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। अभी अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, आप सभी को पता है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसके वेस्टर्न कोस्ट पर क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में जो कमेटीज़ आई थी उन्होंने टाइम टू टाइम ये बोला कि 37% इसका जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए वेस्टर्न घाट का और इस प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अप्लाई करे, तो इसमें केरला और कर्नाटक का जो स्टेट है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और केरला में तो ये बोला गया है कि केरला स्पेसिफिक केरला के ऊपर फोकस करते हुए ये जो प्रोग्राम है जो 37% एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है वो केरला के साथ में डिस्कस करके फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी बात बोली गई है कि जो केरला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो अगर इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ हम प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे के रेल प्रोजेक्ट, तो इससे जो भी हमारे इस तरीके के नेचुरल एरियाज़ जो हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनका तो ये भी बोलना है कि इसमें कम्प्लीट जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा, जिसकी वजह से भी स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि ना सिर्फ इसमें स्टेट जो है बल्कि सेंट्रल लेवल जो है वो भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, तो इकोनॉमिक बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो ये कुछ इश्यूज रहे हैं कि रेल प्रोजेक्ट को लेकर के। तो जब भी आप कोई आर्टिकल डिस्कस करो उसके कुछ प्लस पॉइंट डिस्कस किया करो, कुछ उसके नेगेटिव डिस्कस किया करो और फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड में एक तरीके से आप SDG गोल के साथ में या फिर एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे जब भी आप किसी आर्टिकल को डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका ये होगा कि आपकी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आपके साथ में ही चलती रहेगी। मतलब किसी भी आर्टिकल को लेकर के जब आपके प्लस और नेगेटिव पॉइंट आपके साथ में हैं तो मेंस में आप ईजिली आंसर जो है राइट डाउन कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर है और यहाँ पर जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल है, देखो आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में जो 44th चेस ओलंपियाड यहाँ पर होने वाला है जिसमें 187 नेशन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चेन्नई का जो नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर थर्सडे को इसकी ओपनिंग होगी। ओके, और 11 राउंड ऑन बोर्ड एक्शन कॉमेंट्स जो हैं इसमें कंप्लीट किया जाएगा। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो
with the usual medal winning nation Russia and China not in the mix, some first timer could occupy the podium. Okay, कुछ ऐसे कंट्री हैं जो पहली बार यहाँ पर आएंगे और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेडल भी जीते हैं लेकिन उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा. द ग्रेटेस्ट ऑफ करंट प्लेयर्स मैग्नस कार्लसन इज लुकिंग टू लीड नॉर्वे टू इट्स फर्स्ट मेडल. There will be other illustrious performance in both sections of the biennial competition, but the discerning could focus on how India perform at home. सबसे important हमारे लिए रहेगा कि India इसमें कैसे perform करता है. Okay, India added a third team to make it even. As a result, 30 players, including 15 women, will represent India in the Premier World Team Championship. Okay, तो आप यहाँ पर देखो कि एक तरीके से women का participation increase हो रहा है. कल भी हमने discuss किया था कि हमारे India में इस तरीके की जो भी initiative है वो हमें time to time इस तरीके की जो championship है वो हमें organize करनी होगी ताकि हमारा जो youth है वो एक तरीके से जो भी game से related जो strategy है उसको लेकर के awareness उनमें create हो. ओके तो यहाँ पर जब इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस तरीके की टाइम टू टाइम हर गेम में जो चैम्पियनशिप है उसको होस्ट इंडिया कर पाए तो इससे जो हमारा यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए गेम सेक्टर में जाने के लिए. ओके यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल अभी रिलेटेड है कि म्यांमार में जो इशू देखने को मिला वहाँ पर जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया उसी के बारे में बता रखा है कि इससे ये जो वहाँ पर इशू हुआ है ना, इससे तो ये लगता है कि वहाँ की जो आर्मी है वो चाहती नहीं है कि जो पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है उसमें सेटलमेंट देखने को मिले. इस आर्टिकल में बताया गया है कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी कंडेम किया गया है इस प्रोसीजर का और यहाँ पर जो भी यहाँ की पॉपुलेशन है वो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रही है कि वर्ल्ड लेवल पर इसमें उनका जो पार्टिसिपेशन है वो हो और इस इशू को सॉल्व किया जाए. यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ पर जब से आर्मी रूल आया है तो यहाँ की जो भी जीडीपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है. टाइम के साथ में बहुत सारे इश्यूज इंक्रीज हो गए हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट मोड है ये प्रेजेंट टाइम में म्यांमार की पॉपुलेशन है उसके लिए. देखो आप सभी को पता है म्यांमार जो है वो आशियान ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले लोकल लेवल पर आशियान ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कंट्रीज़ हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें. यहाँ पर जो आर्टिकल है वो US की प्रेजेंट टाइम में जो नई स्ट्रेटजी चल रही है उसको लेकर के बताया गया है. इस आर्टिकल में बताया गया है कि वेस्ट एशिया में US जो है वो अपने एक नए रोल को यहाँ पर सर्च करने की कोशिश कर रहा है. वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी रीजनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हैं. इसराइल के साथ में उनके कन्फ्लिक्ट पहले से वैसे थे क्योंकि वो जो एरिया है वो ज्यूज को कम्युनिटी को सपोर्ट करता है और यहाँ पर वेस्ट एशिया को लगता है कि ये एरिया जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर था. इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी में भी अगर हम देखें तो सिया और सुन्नी सेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इशू बने रहते हैं. प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ईरान जो है वो अपनी पावर को गेन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं 2019 से जिनका कोई रिजल्ट भी नहीं निकल करके आ रहा है. ओके तो यहाँ पर ईरान ऐसा बोलते हैं कि ईरान जो है वो सपोर्ट करता है यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनको, उन हैती रिबेल्स की वजह से सऊदी अरेबिया UAE इन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है. तो पहले यहाँ पर US ने इंटरवीन करने की कोशिश की कि इसराइल के साथ में कंट्रीज़ जो वेस्ट एशिया में हैं उनके रिलेशन बेहतरीन हो सकें और इसी के बेसिस पर I2U2 जो है वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है. उससे पहले 2020 में अब्राम अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें USA ने इंटरवीन किया और यहाँ पर UAE बहरीन और इसराइल के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें इसराइल का जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वहाँ पर ये लोग इजीली वहाँ पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए भी इस अब्राम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ एग्रीमेंट साइन हुए और उसी का भी एक वास्ट लेवल पर इनिशिएटिव जो है वो I2U2 के रूप में इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है. तो यहाँ पर US जो है वहाँ पर जो भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. इसका बेसिक रीजन ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन इशू होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जैसे कि हम बात करें नेचुरल गैस की, फॉसिल फ्यूल्स की, तो इन सभी को आप सभी को पता है गल्फ कंट्रीज़ में इन सभी का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होता है तो इसी की वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन करने की कोशिश भी की जा रही है USA के द्वारा. क्योंकि USA ने जब अभी विजिट की
वेस्ट एशिया में, तो कंट्रीज़ के साथ में जो उनके पर्सनल जो बायलेटरल रिलेशन जो है उसको भी मेंटेन करने की उन्होंने कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में कुछ डाटा शो कर रखे हैं, इन डाटा में ये बता रखा है कि अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में जो 14.2 किलोग्राम सिलेंडर जो आता है उसका प्राइस जो है वो 1053 रुपीज़ हो गया है, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर जो बेनिफिशरीज हैं उन सभी को। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2015 में जो इसकी रेट थी अभी प्रेजेंट टाइम में फिर भी उसकी डबल रेट हो गई है सब्सिडी के बाद में भी, तो यहाँ पर एलपीजी हिट्स 1000 सिलेंडर रिफिल्स डिक्लाइन। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो थी उसमें यही तो डिसाइड किया गया था ना कि गैस कनेक्शन दिए जाएं, क्योंकि वीमेन जो है उनका बहुत सारा टाइम जो है वो इसमें चला जाता है कि वो यहाँ पर जो भी लकड़ी है ईंधन जो है वो उसको कलेक्ट करके लेकर के आती हैं, इसके अलावा उसमें जो गैस जो निकलती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी, हेल्थ इशू भी क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर क्लीन जो एनर्जी है उसका यूज़ किया जाए फूड कुकिंग में, तो इसी के लिए ये जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन जिस तरीके से प्राइजेज इंक्रीज़ हुए हैं, तो इन सिलेंडर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनको देने का कि क्लीन एनर्जी का यूज़ किया जाए, क्लीन गैस का यूज़ किया जाए फूड को कुक करने के लिए, तो वो टारगेट जो है, वो ऑब्जेक्टिव जो है, वो तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं तो रिफ़िल जो होता है सिलेंडर का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर म्यांमार में जो इशू है उसी को लेकर के यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पर कंट्री लेवल पर क्या इशू है, कंट्री लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन चाहती है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से म्यांमार को लेकर के भी उन्होंने सभी कंट्रीज़ ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो एन वी रमन्ना जो हमारे CGI हैं उन्होंने बोला है जर्नलिज्म के बारे में कि जो जर्नलिज्म की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ऑनेस्ट तरीके से होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म के लिए उन्होंने बोला है कि जर्नलिज्म जो है वो हमारी कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर जर्नलिज्म जो है वो कोई भी इशू को एक फेयर तरीके से रिप्रेजेंट करे ताकि जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो सके। ओके, यहाँ पर देखो महाराष्ट्र उड़ीसा बिहार जो है वो कास्ट सेंसस चाहते हैं, मतलब कितनी कास्ट है वहाँ पर और उनकी कितनी पॉपुलेशन है ये पता होना चाहिए। इसको लेकर के बिहार जो है स्टेट जो है वो रेगुलर इस चीज़ को लेकर के बना हुआ है, अभी अदर स्टेट जो है उसको प्रॉमिस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो स्टेट हैं उनका बोलना ये है कि अगर हमें पता चले कि हमारे स्टेट में कौन सी सेंसस, कौन सी कास्ट की सेंसस कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके बेसिस पर हम जो पॉलिसी है वो बना करके इम्प्लीमेंट कर पाएं। हमें पता चले कि अच्छा इस कास्ट की इतनी पॉपुलेशन है और इसको लेकर के अपग्रेडेशन इतना हो नहीं रहा है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पॉलिसी बनाएं, ये बोलना है स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन सेंटर का ये बोलना है कि अगर कास्ट के बेसिस पर हमने सेंसस कंडक्ट करवाई तो हमारी सोसाइटी में जो डिवीजन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग बना करके लेके आएंगे, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो भी इलेक्शन में जो भी इनके कैंडिडेट हैं वो कास्ट के बेसिस पर अपॉइंट किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कुछ कास्ट का तो अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा लेकिन कुछ कास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और ये अभी पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है, अभी हमने देखा था कि राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया कंप्लीट मानसून सेशन के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें लोकसभा के कुछ मेंबर्स को, और अभी 19 राज्यसभा मेंबर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें जो राज्यसभा के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पर ये जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात करें तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं राज्यसभा की उसमें यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने की, कुछ एक तरीके से इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी इन मेंबर्स के द्वारा, और इसीलिए प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और आर्टिकल रिलेटेड है हमारे इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ करके प्रेजेंट टाइम में 45 हो गई है। ओके, यहाँ देखिए
सॉरी 54 हो गई है हमारे कंट्री में। हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने ट्यूसडे को ट्वीट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है और अभी प्रेजेंट टाइम में 5 मोर साइट्स जो हैं वो और ऐड कर ली गई हैं। ये जो 5 मोर साइट्स हैं जिसमें 3 जो हैं वो तमिलनाडु स्टेट से हैं, 1 जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट से और 1 जो है वो मिजोरम से है। आप सभी को पता है रामसर कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए, और उस वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया ने 1981 में इस कन्वेंशन को शामिल किया, उस कन्वेंशन में शामिल हुआ और उसके तहत जो है उसके उस कन्वेंशन के अंडर जो है वो इंडिया अपने एरिया में, अपने ज्योग्राफिकल एरिया में, कंट्री के में ये जो वेटलैंड्स हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन किया गया है कि इंडिया में अभी भी प्रेजेंट टाइम में 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही, मतलब टोटल वेटलैंड एरिया जो है वो कंट्री के टोटल एरिया का ओनली 10% है और ओनली 18 स्टेट्स में ही वेटलैंड साइट्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इंडिया से कंपैरिजन करें ना, तो साउथ एशिया कंट्रीज़ में किसी में भी इतनी साइट नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी संख्या में रामसर साइट हैं, जैसे यूके में 175, मेक्सिको में 142, और अगर हम एरिया की वो करें तो बोलीविया कहाँ पर है तो ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो कंट्री है वहाँ पर जितना भी मतलब एरिया है रामसर साइट के अंडर, तो 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो यहीं पर कवर किया जाता है वेटलैंड साइट के प्रिजर्व के लिए। वेटलैंड साइट की अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो वेटलैंड साइट होता क्या है, एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। वाटर जो है वो वहाँ पर स्टेग्नेशन फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब रुका हुआ हो जैसे कोई लेक हो, या फिर फ्लो स्टेज में भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। देखो ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए ना, इसी को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेटलैंड साइट वो होती है जहाँ पर सिर्फ ब्रैकिस या फिर सॉल्ट वाटर पाया जाता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो उन सभी को इंक्लूड इसमें किया गया है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मेरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। 6 मीटर से ज़्यादा जो है वो टाइड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बट डज नॉट इंक्लूड रिवर चैनल, पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज, टैंक स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेज एंड स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्वा कल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन एंड इरीगेशन पर्पज। ओके, तो ये रामसर साइट के अंडर, या फिर अगर हम देखें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो वेटलैंड की डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी देखो CPEC प्रोजेक्ट क्या है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। CPEC प्रोजेक्ट ये है कि चाइना ने POK वाला जो रीजन है उसके थ्रू यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ताकि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके थ्रू इस एरिया को कवर करते हुए कनेक्टिविटी दी जा सके। ओके, अरेबियन सी तक अपनी रीच यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब इन्होंने इस प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और चाइना ने बोला है कि कोई अदर कंट्री जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ सकता है, तो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई और कंट्री इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ता है तो ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा, मतलब थर्ड पार्टीज़ ज्वाइनिंग CPEC इज़ इनहेरेंटली इलीगल, क्योंकि POK वाला जो रीजन है अभी इस पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है कि ये इंडिया का पार्ट है या फिर पाकिस्तान का पार्ट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है ना इसमें फर्स्ट तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने कोशिश ये की है कि जिस तरीके से रशिया जो है वो टाइम टू टाइम अपनी सप्लाई को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाता रहता है, तो यूरोपियन यूनियन ने नेचुरल गैस का जो यूज़ है उसको 15% तक डिक्रीज़ कर दिया है ताकि अगर इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को भी मिलता है तो कोई इशू क्रिएट ना हो। यहाँ पर वही जो हमने फ्रंट पेज पर आर्टिकल डिस्कस किया था कि रशिया जो है वो 2024 के बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ब्लैक सी वाला जो रीजन है जो रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और जो भी ग्रेन सप्लीमेंट है उस सप्लाई करने के लिए यूक्रेन को यहाँ पर अलाउ किया, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट ये है कि रशिया जो है वो ब्लैक सी रीजन में जो भी टारगेटिंग है उनके ऊपर रेगुलर अपनी जो है स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर
म्यांमार में जो इशू हुआ, लेकिन वहाँ की जो आर्मी रूल है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे कंट्री में अभी और भी ऐसे प्रिजनर हैं जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, तो ये कैसी प्रॉब्लम है जिस कैपिटल पनिशमेंट को यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है। नहीं तो वहाँ पर जो आर्मी है वो अपने लेवल पर विदाउट एनी डेमोक्रेसी, विदाउट एनी बेसिक लॉज, बेसिक वैल्यूज़ को फॉलो किए बिना अपने लॉज के अकॉर्डिंग, अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये जो भी इश्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो जो भी रीजनल एरियाज़ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर म्यांमार को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, और इसके अलावा और भी अदर कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो यूनाइटेड नेशन तक लेकर के इस इशू को ले जाया जाए ताकि इसका सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिले। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।